क्लियर नहीं है अभी तक। ना, ना, मैं आ गया, मैं आ रहा हूँ पूरा एकल सर 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 एकल शो नहीं कर रहा हूँ मैं, मोनोलॉग नहीं, मोनोलॉग नहीं सर, यू हैव टू वेट, यू हैव टू वेट नाउ। हाँ जी अच्छी बात है, जब आप सवाल भी 10 पूछेंगे तो जवाब लेने के लिए आएंगे ना, तो नहीं नो 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 पूरा पूरा जी ना, तो बीजेपी विल डिफाइन जी, आपको 1-1 35 है 370 जी जी प्रतीक, मैंने ले लिया प्रतीक जी, मैं अपनी बात रखने से पहले बोल दी, उन्होंने एक जड़ी बूटी की बात कही, तो चूरन किसी विशेष नेता को जरूरत है दिमाग की बुद्धि बढ़ाने के लिए, वो किस नेता को जरूरत है मैं देश जानता है। दूसरी बात, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत जैसे महान राष्ट्र में, शाश्वत राष्ट्र में जन्म लिया हूं, उस भारत में जन्म लिया हूं जो वैश्विक स्तर पे पूरे विश्व को एक मिसाल दिया है, और आज नरेंद्र मोदी जी भी जाके यूक्रेन में इसका प्रमाण देकर आ रहे हैं, और हम उस भारत की अखंडता के लिए लड़े हैं, और हमने नारा दिया था जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है, और उस कश्मीर पे दो संविधान की बात करने वाले जब आज संविधान लहराते हैं तो इन पे तरस आती है, हंसी आती है। पॉइंट टू, अमित शाह जी ने 370 को लेकर सवाल पूछे, 35A को लेकर सवाल पूछे, वो तो जग जाहिर है उस पे ये स्पष्ट नहीं होंगे। एक और विषय उन्होंने रखा है जो सबने जानना जरूरी है, कश्मीर के अंदर जो गुज्जर समुदाय के लोग हैं, जो दलित हैं, जो पहाड़ी हैं, और उन लोगों को जो रिजर्वेशन एसटी को मिला है उसको क्या हटाने के पक्षधार है ये, अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े होते तो। पॉइंट वन। दूसरी बात, आदरणीय गृह मंत्री जी ने यह भी कहा है जिस शंकराचार्य हिल और हरी हिल का नाम क्या बदल करिए, तख्ते सुलेमान और कोहे मरन रखना चाहते हैं, इस पे भी स्पष्ट करना होगा कांग्रेस पार्टी को। और तीसरी बात, इन्होंने कहा कितने रोजगार ले आए, क्या वातावरण बदल दिया, अरे जनाब एक दिन वो था जब वहां पे लाल चौपे तिरंगे नहीं फहरा सकते थे, आज एक दिन वो है जब G20 का सम्मेलन कराते हैं, फिर से शूटिंग शुरू होता है, व्यापार बढ़ता है, और उसी कश्मीर में जाके स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तक हम आईटी पार्क बनाने की बात कर। लास्ट लास्ट संविधान बचाने वाले, संविधान लहराने वाले, संविधान की जय जयकार करने वाले, जरा बता दे जो संविधान को नहीं मानता नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ गठबंधन मिला के कौन सा संविधान। तो ये सवाल है बेसिक, दो प्रमुख पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस, और इसके बाद पीडीपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि जो उसने घोषणा पत्र जारी किया वो पिछले 15 सालों या 20 सालों में ऐसा बढ़िया घोषणा पत्र कोई नहीं बना पाया, कांग्रेस का उसके साथ गठबंधन है, बीजेपी का अलग, ये तमाम सारी पार्टियों का कश्मीर पे चुनाव और उसको लेकर तमाम सारी जी। मैं आऊंगा जवाब साहब जी, ऑफकोर्स ऑफकोर्स यू कैन आस्क जी जवाब साहब। प्रतीक भाई, दिलों में आग, लबों पे गुलाब रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी वाले चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं। अभी बड़ी बात कर रहे थे, जहां हमारे शहीद हुए, बलिदान हुए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र कर दिया और धारा 370 का भी जिक्र कर दिया। अब इनको इतिहास अगर लेकर के जाऊं, धारा 370 जो था वो भारत को जम्मू कश्मीर से जोड़ने के लिए आया था, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 का समर्थन करा था, धारा 370 का समर्थन करा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। बाद में वो अपनी बात से पलट गए, और वो पलटे क्यों, क्योंकि हसरत मोहानी परमानेंट था या टेम्परेरी था, नहीं टेम्परेरी था, और मैं बात बिल्कुल साफ करूंगा, जब हसरत मोहानी ने मुखालफत करी कि स्टेट राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, तो वहां पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू और तमाम लोग, और उनको कश्मीर मामलों का मंत्री किसने बना के भेजा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही बना, राइट राइट मैं थोड़ी जब बात निकली है तो दूर तक मैं इतिहास को करेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अब आ जाता हूँ मौजूदा परिस्थिति में। भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, धारा 370 हटाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी कितनी बार जम्मू एंड कश्मीर में जा करके रैलियां करके आए, बताइए, चलिए कितनी हो करके आए, कितनी बार गए, कितने बार लोगों को, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि दिवाली उन्होंने कब मनाई यहाँ पे, दिवाली तो वो अक्सर वही मनाई जी। देखिए शहरों शहरी करके तालियां तो बटोर सकते हो, लेकिन इतिहास के कलंक को कतई नहीं मिटा सकते हो, ये स्थिति जाहिर है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, इन्होंने कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कही कि आपको मंत्रालय में लाया, अरे मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसको मंत्रालय को ठुकरा दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 में, जब नेहरू और लियाकत कमेटी का पैक्ट साइन हुआ था, किसी ने विरोध किया तो जनसंघ ने विरोध किया था, और वो इतिहास में लिखा हुआ है। तो हमें अब कश्मीर
आदमी तो दोहरी थोड़ी ना पढ़ा। राइट राइट, मैं आया, मैं जवाब आया, आम आदमी पार्टी मैं दे दूंगा तुम्हें, कांग्रेस दे दूंगा। बैठिए आप, बहुत बढ़िया डिबेट हो रही है, ऐसे ही चलेगी, हल्लाबाजी नहीं, हल्लाबाजी नहीं। हल्ला कहां से आना हुआ है? बस बिहार के, बिहार के लोग हल्लाने में जाएंगे तो बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है। भाजपा वाले साथी, भाजपा वाले साथी के ने नॉलेज की कमी है, ये जिस पार्टी का विरोध कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसके अटल जी के सरकार में उनको अमर अब्दुल्ला जी को उन्होंने मंत्री बना रखा था, इनका फारूक अब्दुल्ला जी तो आपने तो कांग्रेस का विरोध किया था, तो आप तो INDIA में जा रहे हैं। नहीं, नहीं, नहीं। हमने किसका गठबंधन की बात, आप तो इतना बड़े बड़े पुलंदे लाके आते थे प्रणब मुखर्जी से, प्रणब मुखर्जी सर आपने जो कहा, प्रणब मुखर्जी से लेके कांग्रेस और कांग्रेस से लेके लालू और लालू से लेकर न जाने किनका किनका विरोध करते हैं। ये मोदी जी अभी मंचों में बोलते थे प्रफुल्ल पटेल देश के सबसे बेईमान आदमी है, ये भ्रष्टाचार है, और दो दिन बाद अपनी पार्टी में उसको शामिल कर लेते हैं और मंच से बोलते हैं तो बहुत ईमानदार है। मोदी जी के पास एक वॉशिंग मशीन है जिसको दो दिन पहले भ्रष्टाचारी बोलते हैं और देश, या तो वो वॉशिंग मशीन आपके पास थी, आपसे बोले गए, आपसे बोले गए, नहीं तो फिर आप कहिए कि हम माफी मांगते हैं कि मैंने जो कहा उस समय वो गलत था। माफी मांगनी चाहिए भाई, आप ही ने कहा था। सरकार बनाई इन्होंने, ये देश के गद्दारों का, इनका इनका क्या, इनके नेताओं का क्या काम था? अंग्रेजों की जासूसी करने का काम इनके नेता करते थे। आप इनका इतिहास देख लो, इतिहास में अगर इन्होंने कोई क्रांति की लड़ाई लड़ी हो, किसी संविधान में या देश की लड़ाई लड़ी हो तो बताओ। जासूसी करना, इन्होंने PDP के साथ सरकार बनाई, ये सबके साथ सत्ता के। आराम से कूल डाउन, आप जवाब दे सकते हैं, जवाब आपको मिलेगा, आप जवाब दे। क्लैरिफिकेशन, इन्होंने जो बार बार एक थ्योरी सेट किया जाता है कि लड़ाई में क्या योगदान रहा, ये गांधी परिवार का लड़ाई का योगदान नहीं था, उस समय का कांग्रेस कुछ और था, आज का कांग्रेस कुछ और है। दूसरी बात, हेड गवार जी ने ऑन रिकॉर्ड है, जब चंद्रशेखर आजाद जी और उन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेज के खिलाफ, तो हेड गवार जी ने उन्हें बचाने का काम किया था, और उस समय उन्होंने कांग्रेस का डिविजन नहीं हुआ, कांग्रेस का डिविजन नहीं हुआ, कांग्रेस का डिविजन नहीं हुआ। जी जी, आपने खुद कहा था, मैं आ रहा हूँ, भूल जाती अपनी बातों, भाई आराम से देखे, लड़ाई झगड़ा नहीं, बोलो तसल्ली के साथ, मैं तसल्ली से बोल रहा हूँ। आम आदमी पार्टी अपनी ही किए हुई बातों को भूल जाती है। इन्होंने खुद कहा था सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी हैं, लालू यादव भ्रष्टाचारी हैं, मुलायम सिंह यादव भ्रष्टाचारी हैं, और राजीव गांधी जी से भारत रत्न वापस ले लेना चाहिए, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा था। आज देखो, क्रिकेट इतनी तरह रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी से रंग बदल देते हैं। क्रिकेट से भी ज्यादा रंग बदलने वाली आम आदमी पार्टी है। अरे मोदी तो, अरे ये हमारा सौभाग्य है साहब कि इस देश में एक देशभक्त नरेंद्र मोदी पैदा हुआ जिसने सारों को हिला के रख दिया है। और